नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 33 जिला 33 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से मिल रही है, पापटा में व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी से लूटे करीब 2 लाख रुपए। दुकान बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी। दो बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इलाके में कराई नाकेबंदी। पिछले 20 दिन में पापटा में लूट की ये तीसरी वारदात सामने आई है। पापटा इलाके के, आपको बता दें, कस्बे के तस्कोला रोड पर शनि मंदिर के पास की ये घटना सामने आई। सहयोगी अमित मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। अमित, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है? पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है किस मामले में? अब देखिए मनी, बताना चाहूंगा कि पावटा क्षेत्र में ये लगातार तीसरी घटना है जिसको लेकर जो ग्रामीण और व्यापारी काफी भारी आक्रोश में है। दो बाइक सवारों पे 6 बदमाश आए थे, उन्होंने बंदूक लगाई व्यापारी पे। व्यापारी अपने घर पे जा रहा था, दुकान बढ़ा के, साथ में उसका बेटा भी था। हालांकि थोड़ी बहुत छीना झपटी भी, लेकिन बताया जा रहा है कि जो गणपति के ऊपर बंदूक लगाने के बाद में व्यापारी घबरा गया और जो व्यापारी के हाथ में बैग था वो जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए। व्यापारी के चिल्लाने के बाद में आसपास के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने आक्रोशित लोगों ने जो तस्कोला पावटा रोड उसको जाम कर दिया है। अब सूचना पे DYSP संजय यादव और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। उनको भी इस जो पब्लिक का उसका भारी आक्रोश झेलना पड़ा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन किसी प्रकार से अभी तक पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अमित, ये बताएं, जैसे कि हम बता रहे हैं दर्शकों को कि 20 दिन में तीसरी वारदात सामने आई है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, कार्रवाई इस पूरे मामले में चल रही है, क्या तस्वीर सामने आ रही है, अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए मणि, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से पावटा कोटली क्षेत्र में लगातार लूट और जिस चोरी की घटनाएं हो रही है उसको लेकर भारी आक्रोश है लोगों में और उनका पुलिस के ऊपर सवाल या निशान भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिर में क्या काम करी। और एक बड़ी बात और बता दूं, गृह राज्य मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद स्थिति है, तो अगर आप ये अंदाज लगा सकते पूरे राजस्थान की स्थिति क्या होगी। अभी तक पुलिस को किसी प्रकार से कोई कामयाबी हासिल नहीं। अभी जो पिछली जो घटनाएं हैं वो भी अभी तक नहीं खुल पाई है और लोग बराबर धरने भी दे रहे हैं, बाकायदा ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में। अमित, ये बताइए, क्या ये मान लिया जाए कि जयपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, बदमाशों में डर खत्म हो चुका है, उसी के चलते ये तीसरी वारदात सामने आई है? बिल्कुल, ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार से जो घटना हो रही है तो जयपुर क्षेत्र में जो इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं उसको लेकर कहा जा सकता है कि पुलिस का कहने का इकबाल खत्म हो रहा है। एक तरीके से लोगों का विश्वास भी खत्म होता जा रहा है। जो बदमाश है बिल्कुल निडर तरीके से घूम रहे और उसका खाना एक आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और ये उसकी तस्वीर भी सामने देखने को मिल रही है। जी मनी, पहचान हो पाई है क्या अमित? क्योंकि वारदात जो है हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, इनकी पहचान अभी फिलहाल पुलिस की ओर से की गई, आखिर बदमाश कौन थे? देखिए अभी पहचान नहीं हो पाई है, सीसीटीवी फुटेज देख लिए गए, खंगाले जा रहे हैं और जो बाइक है बाइकों के अनुसार उनकी आइडेंटिटी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई कि ये बदमाश कौन थे, कहां से हैं। हालांकि पुलिस चारों तरफ टीम बना के अलग अलग जगह दबिश भी दे रही है और नाकाबंदी भी कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी तक बिल्कुल मिलाकर ये कि अमित की जिस तरीके से 20 दिन में ये तीसरी वारदात सामने आना, कई तरह के सवाल जो है पुलिस पर खड़े करना यहाँ पर लाजमी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई इस मामले में जारी है। शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।